शहर में खंडनी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी एक घटना नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत हुई है, जहां एक पानठेले चालक से चाकू की नोक पर 2000 रुपए की खंडनी दो आरोपियों ने की है। फिरियादी की शिकायत पर नंदनवन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच नंदनवन पुलिस कर रही है। शहर में खंडनी के मामले फिर से एक बार अपना सिर उठा रहे हैं। ऐसी एक घटना नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत हुई है। नंदनवन के अंतर्गत आने वाले श्री कृष्ण नगर विश्वास स्कूल के पास इंप्रेशन पान ठेला है, जब फिरियादी गुणवंत सोनटक के अपने पान ठेले पर बैठे थे, उसी दौरान जय भीम चौक कुशीनारा बौद्ध विहार निवासी दो आरोपी निखिल वासनिक और अक्षय बोरकर आधम की। उन्होंने फिरियादी को चाकू दिखाया और यदि पान ठेला चलाना हो तो 10,000 रुपए की खंडनी की मांग की, जिसके चलते फिरियादी ने 2,000 रुपए दिए। उसके बाद फिरियादी गुणवंत सोनटक्के ने नंदनवन पुलिस को इस घटना की शिकायत की। नंदनवन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बारे में बीसीएन न्यूज को नंदनवन के पीआई संदीपनी पवार ने जानकारी दी। नंदनवन पोलीस स्टेशन आते मध्ये एक फिरियादीने सांगितलं की पांटेला चालक आहे, त्यांनी सांगितलं आहे दोन इसम आवाज दिवशी त्याच्याकडे आले होते सकाळी आणि त्यांनी धारदार शस्त्राचं दान दाखवून त्यांच्याकडून काही पैशांची खंडणी घेतलेली आहे आणि मागणी केली, काही पैसे स्वीकारलेत आणि काही परत राहिलेले अजून देण्याबाबतची त्याला धमकी दिलेली आहे। फिर्यादी हा नंतर पोलीस स्टेशनला आला, त्यावेळेस त्याची फिर्याद तात्काळ दाखल करून आम्ही तपास सुरू केला। आरोपी दोन्ही मिळून आल्यानंतर त्यांना सदरच्या गुन्ह्यात अटक केलेली आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। एक तरफ खंडनी की घटना में इजाफा हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर शहर पुलिस खंडनी के आरोपियों पर अपनी नकेल कसे हुए है। कैमरा पर्सन विशाल बमटवार के साथ संजय मीरे, बीसी न्यूज नागपुर।